चलो अब देखना, ये प्रश्न मैं दिया हूं, निम्नलिखित कोणों को रेडियन में बदलना है। इसमें देखना 20 सवाल दिया हूं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये 2 अंश है, 5 अंश है, 12 अंश है, 18 अंश है, फिर उसके बाद 3 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, 43 मिनट, फिर 13 सेकंड, 19 सेकंड, 41 सेकंड, 58 सेकंड, फिर उसके बाद अंश और मिनट में के सवाल दिया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखना मिनट और सेकंड के मिक्स सवाल दिया हूँ दो, फिर उसके बाद अंश मिनट और सेकंड के तीनों के मिक्स सवाल दिया हूँ। तो तीनों का जो मिक्स सवाल है एक सवाल में चला दे रहा हूँ, रेडियन में बदलना है। तो मैं 20वें नंबर का सवाल यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको। देखना 20वें नंबर का जो सवाल है वो आपका क्या है, 19 अंश 51 मिनट और 31 सेकेंड। तो पहले इसको पूरी तरह से अंश में बदलना है। तो ये 19 अंश है, अब ये 51 मिनट है, इसको अंश में बदलने के लिए कितने का भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, और 31 सेकंड है, इसको अंश में बदलने के लिए कितने का भाग देंगे, 3600 का भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, 19 लिख लिया, अब यहाँ पर कैलसी चलाना है हमको। अब 51/60 है, तो 51 में हम किसका 60 का भाग देंगे, इक्वल टू आपका आया है 0.85 आया है। फिर प्लस, अब 31 में देख रहे, 31 में हम भाग देंगे कितने का, 3600 का। तो 3600 का भाग देने के बाद कितना आएगा, 0.008611 कंटिन्यूअस आ रहा है। अब इन सबको जोड़ना है, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो 19 प्लस 0.85, फिर प्लस आपको 0.008611 इक्वल्स टू करेंगे, यहां पर आ रहा है 19.858611, इतना अंश हो गया। अब अंश को रेडियन में बदलना है, 19.858611 × π/180, बताया था ना पाई बटे 180 का गुणा करते हैं तो रेडियन होता है। अब पाई का मतलब 3.14, यहाँ 19.858611 × π का मान 3.14 और बटे में कितना आ जाएगा, 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 19.858611 फिर गुड़े 3.14, फिर उसके बाद भागाकार कितना, 180 इक्वल टू करेंगे तो आपका यहां पर आ रहा है 34। फिर से देखना ध्यान से, 19.858611, फिर उसके बाद गुड़े 3.14, फिर भागाकार आपका आए, भागाकार 180 इक्वल टू आप करेंगे तो 0.3464, फिर आगे कंटिन्यूस आ रहा है इतना रेडियन। अगर दशमलव के 2 अंक तक जब आप लिखें तो 0.35 रेडियन आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं और बाकियों को आप लोगों को इस तरह से सॉल्व करना रहेगा। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों को अंश माप में बदलो। तो ये रेडियन में देखो पाई वाले सवाल है, फिर बिना पाई वाले सवाल है। अभी आप लोगों को सवाल समझाया कैसे इनको सॉल्व करना है, ये 14 सवाल है। अब ये देखना किताब चैप्टर नंबर 2 का उदाहरण नंबर 2.4 है, मोस्ट 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 आईएमपी है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अभी लंबन की विधि जो समझाया उसी सूत्र का उपयोग करके सवाल हल करना है। सवाल क्या है, सूर्य का कोणीय व्यास 1920 सेकंड है। सूर्य का कोणीय व्यास 1920 सेकंड का मतलब कोण जो बन रहा है 1920 सेकंड का बन रहा है। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कैपिटल डी का मान 1.496 × 10^11 मीटर दिया है और सूर्य का व्यास पूछ रहे हैं, मतलब स्मॉल डी का मान पूछ रहे हैं। दो अवकाशी पिंडों के बीच की दूरी कैपिटल डी का मान दिया गया है 1.496 × 10^11 मीटर और सूर्य का व्यास ज्ञात करना है वो पूछ रहे हैं। तो यहां पर देखना सूर्य का कोणीय व्यास है, मतलब कोण का मान थीटा बराबर 1920 सेकंड। तो हमेशा जब अपने लंबन विधि वाले सूत्र का उपयोग करके सवाल हल करेंगे तो कोण हमेशा
सा रेडियन में होना चाहिए, ये 1920 सेकंड है, इसको रेडियन में बदलना है तो पहले इसको अंश में बदलेंगे। 1920 में आप 3600 का भाग देंगे तो अंश हो जाएगा, फिर अंश में पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे तो रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ 1920 भागाकार 3600 गुणे पाई बटे 180, अब पाई का मान 3.14 रखेंगे तो 1920 गुणे 3.14 पूरे का बटे 3600 गुणे 180, यहाँ पर 1920 गुणे 3.14 फिर बटे में 3600 और गुणे आपका क्या हो जाएगा 180। अब इसको जब अपने सॉल्व करेंगे कैलसी से तो 1920 कैलसी में दबाएंगे 1920 गुणे 3.14 भागाकार 3600 फिर भागाकार 180 फिर इक्वल्स टू का निशान दबाएंगे तो 0.00933037 इतना रेडियन दशमलव के 4-5 अंक तक आप लोगों को लिख दे रहा है, या आप दशमलव को पहले आंकड़े के बीच में जाएंगे तो 9.3037। अब देखना दशमलव 3 अंक इधर गया है तो 10 की घात कितना हो जाएगा -3 रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैपिटल डी का मान दिया है 1.496×10^11 मीटर और सूर्य का व्यास स्मॉल डी का मान पूछ रहे हैं। अभी लंबन की विधि में सूत्र पढ़े कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी बटे थीटा, तो यहां से हमको स्मॉल डी का मान निकालना है तो कैपिटल डी गुणे थीटा हो जाएगा। यहां पर कैपिटल डी का मान 1.496×10^11 फिर गुणे थीटा का मान 9.3037 गुणे 10^-3। अब कैलसी में 1.496 गुणे 9.3037 कैलसी में गुणा करेंगे 13.918 समथिंग और आएगा तो दशमलव के 3-4 अंक तक लिख दिया 13.918 गुणे। अब यहाँ 10^+11 है और यहाँ 10^-3 है तो प्लस का 11 माइनस का 3 प्लस का आपका 8 आएगा, 11 में से 3 घटेगा 8 आपका मिलेगा। अब दशमलव हमेशा पहले आंकड़े के बाद तो दशमलव 1 और 3 के बीच में होना चाहिए तो दशमलव अब 1 अंक इस साइड ला रहे हैं तो यहाँ पर धन वाली घात आपकी क्या होगी वो बढ़ जाएगी, अगर ऋण वाली घात होती तो कम होती है लेकिन धन वाली घात क्या होगी बढ़ जाएगी। तो 1.3918 गुणे 10^8 था तो 10^9 मीटर हो गया। अगर दशमलव के 2 अंक तक जवाब लिखें तो 1.39 गुणे 10^9 मीटर, जिसका मतलब सूर्य का व्यास 1.39 गुणे 10^9 मीटर होगा। अब इसी मेथड का ध्यान देना, मैं सवाल दिया हूं जो सूर्य के कोणीय बेस व्यास का मान मैं अलग अलग दिया हूं 1940 सेकंड, 1945 सेकंड, 1857 सेकंड, 2020 सेकंड, 2011 सेकंड, 2015 सेकंड, 1983 सेकंड, 2017 सेकंड, 1897 सेकंड, 1968 सेकंड, 1947 सेकंड, 1950 सेकंड। तो इन सभी में कैपिटल डी का मान इतना ही लेना है, सब सवालों में कैपिटल डी का मान 1.496×10^11 मीटर और इन सभी सवालों में स्मॉल डी का मान निकालना, तो देखना स्मॉल डी का मान थोड़ा थोड़ा अलग अलग आपका आएगा। इन सभी सवालों की आप लोग प्रैक्टिस करना, ओके।